हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के टाइप्स, फ्लावर की स्ट्रक्चर, वो सब आपको करवा दिया गया है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ वो पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही एजेंट ऑफ पोलिनेशन को स्टडी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स होते क्या हैं? फर्स्ट थिंग, ही द एजेंट्स और वैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स हैव बीन ग्रुप्ड इंटू टू कैटेगरीज। एजेंट और वेक्टर्स वो होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन पोलन ग्रेन्स को वहाँ से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट्स आर द एजेंट्स। और मोस्ट ऑफ जब ट्रांसफर ही हो रहा है किसी दूसरे फ्लावर से, तो वो किस में होगा? क्रॉस पोलिनेशन के अंदर होगा। और ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स के अंदर होता है। दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, एबायोटिक जिसके अंदर विंड वाटर इनको कंसीडर किया जाता है, और बायोटिक कैरेक्टर जो एजेंट्स होते हैं उनके अंदर हम एनिमल्स को कंसीडर करते हैं। अलग अलग एनिमल्स हैं, सबको वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट वन इज द एनिमोफिली और द विंड पोलिनेशन। नाम को अच्छे से याद करना, एनिमोफिली में कौन होगा पोलिनेटिंग एजेंट्स? विंड। तो इसके पोलिनेशन के लिए पोलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय विंड इज कॉल्ड द एनिमोफिली। विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होगा तो दैट इज अनाउंस एज द एनिमोफिली। एनिमो मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है? विंड। और फिलोस मीन्स टू लव। तो विंड्स के थ्रू जब वहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पोलन ग्रेन्स, दैट मीन्स एनिमोफिली। तो जो भी एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो फ्लावर कलरलेस होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, स्मॉल होते हैं, विदाउट फ्रेग्रेंस एंड द नेक्टर। क्योंकि हवा को वहां तक जाने के लिए किसी स्मेल की और इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, तो फ्लावर्स क्या होंगे? कलरलेस, नेक्टर और फ्रेग्रेंस नहीं होती है। पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि विंड्स के थ्रू क्या है उनमें जो वेस्टेज है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उन प्लांट्स को। एग्जाम्पल दिया गया है, सिंगल फ्लावर ऑफ कैनाबियस के अंदर 5 लाख पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, 25 मिलियन इन द मेज। मेज के अंदर 25 मिलियन नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए, कि वहां से पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के ड्यूरेशन में उनकी वेस्टेज होगी। तो उस वेस्टेज के लिए वो क्या बहुत ज्यादा करते हैं कि चांस फैक्टर है, चांस फैक्टर के थ्रू वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? लाइट होंगे, ड्राई होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, और समटाइम विंड होंगे, सो दैट दे कैन इजिली ब्लोन बाय द विंड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस अप टू द 1300 किलोमीटर। जो पोलन ग्रेन्स होंगे लाइट वेटेड होंगे, क्योंकि हवा के थ्रू वो वहां से ट्रांसफर कर दिए जानी चाहिए, इसलिए लाइट वेट होगा। अगर वेट ज्यादा होगा तो वो ट्रांसफर करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई होंगे, नॉन स्टिकी हैं, विंड होंगे, क्योंकि हवा जब एयर चलेगी, विंड चलेगी, तो विंग्स के थ्रू क्या है वो ज्यादा दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टैमन्स हैव द लॉन्ग फिलामेंट्स। जो स्टैमन्स होते हैं उन प्लांट्स के, उनके लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं और एक्सपोज होते हैं। एंथर क्या उनका एक्सपोज होगा बाहर की तरफ, क्योंकि वो हवा के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। कैन स्वे आउटसाइड द फ्लावर इन एयर करंट्स। तो एयर करंट्स के थ्रू क्या है वहां से पास हो जाए। व्हेन द फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल द पिस्टिलेट फ्लावर आर पैक्ड इनटू द फ्लोरेसेंस इन कॉन कॉप्स। ईच फ्लावर हैज ए सिंगल ओव्यूल। तो मोस्ट ऑफ केसेस जब एनिमोफिलस होते हैं, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो वो इनफ्लोरेसेंस शो करते हैं। इनफ्लोरेसेंस होता है नंबर ऑफ फ्लावर्स मोर देन वन। ग्रुपिज्म होता है, जो ग्रुप्स को हम बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस जो इन फ्लावर्स का मोर देन वन होता है, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। इन फीमेल फ्लावर ऑफ ए मेज द स्टिग्मा एंड स्टाइल आर हेयरी एंड ब्रांच्ड एंड फॉर्म द टेसल्स। तो जो मेज की अगर हम बात करते हैं, फीमेल फ्लावर जो होता है वो हेयरी होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर सेल्स टेसल्स बनते हैं। दे स्वे ए विंग टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए क्या है, पोलन ग्रेन्स जो विंड के थ्रू ट्रांसफर होंगे तो उनको अच्छे से ट्रैप कर पाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फिदरी स्टिग्मा हैंग्स आउट ऑफ द फ्लावर टू कैच पोलन ग्रेन्स इन द एयर। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो स्टिग्मा होता है वो भी क्या होता है, बाहर की तरफ हैंग डाउन होता है, कि जो पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू आ रहे हैं उनको वो कैच कर पाए। तो ये इसकी स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं इन फ्लावर्स के। इन सर्टेन केस फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द अपीयरेंस ऑफ लीव्स टू इंक्रीज द चांस ऑफ पोलन ग्रेन्स रीचिंग द स्टिग्मा। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो लीव्स से पहले ही अपीयर हो जाते हैं, कि जो उसमें चांस पोलन ग्रेन्स के पोलिनेशन होने के चांसेज हैं वो ज्यादा बढ़ जाए।
कैलिक्स एंड कोरोला आइदर रिड्यूस्ड और अब्सेंट। कैलिक्स और कोरोला छोटे हो जाएंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे कि जिसकी वजह से जो एंथर्स हैं वो बाहर की तरफ एक्जर्ट हो जाएं वर्सेटाइल। अगर हम प्लांट अर्टिका की बात करते हैं तो एंथर्स ब्रस्ट होते हैं सडनली, एकदम से ब्रस्ट होंगे जिससे वो पोलन ग्रेन से एकदम से बाहर की तरफ आएंगे और उनको बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म ट्रांसफर। कि गन जैसे हम बुलेट करते हैं ना कि गन से बुलेट निकलती है, एकदम से निकलती है तो वो ब्रस्टिंग होती है तो ज्यादा दूर तक जाती है वो। इसी तरीके से जब एंथर ब्रस्ट करता है तो पोलन ग्रेन से एकदम से एयर के अंदर आएंगे और एयर क्या करेगी उनको अपने फ्लो के थ्रू क्या करेगी ट्रांसफर कर देती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विंड पोलिनेशन के क्या है, ग्रासेस, सुगर केन, मेज, बैम्बू, कोकोनट पाम, डेट पाम, कैनाबिस, एमरेंथस, ये सभी प्लांट्स क्या होते हैं एनिमोफिलस पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनके। ये देखो अगर जब हमने मेज की बताई थी तो ये देखो टीसल्स कितने बड़े बड़े होते हैं, ये मेल फ्लावर होता है और इनके थ्रू क्या बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं। वीट फ्लावर की बात करते हैं तो ये देखो स्टिक्स बांस कितने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ से एंथर कितना बड़ा बाहर की तरफ हैंग डाउन होता है तो इसके थ्रू क्या है ये पोलिनेट होते हैं। अगर हम ग्रास की बात करते हैं तो ग्रास के अंदर भी देखो एंथर्स कितने बड़े हैं, स्टिग्मास देखो बाहर की तरफ है बड़े बड़े हैं, फीदरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी फिलामेंट्स बड़े होते हैं क्योंकि यहाँ से पोलन ग्रेन्स एयर के कॉन्टैक्ट में जल्दी आते हैं, तो ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। सेकेंड बात करते हैं हम हाइड्रोफिली, दैट इज द वाटर पोलिनेशन। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिली मीन्स पोलिनेटेड। हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर थ्रू द वाटर। जब वाटर एजेंट की तरह काम करता है तो हम उसके लिए बोलते हैं हाइड्रोफिली और उन फ्लावर्स को बोलते हैं हाइड्रोफिली पोलिनेटेड फ्लावर्स। अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हाइड्रोफिलस फ्लावर की कैसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो फ्लावर होंगे वो स्मॉल होंगे और इनकॉन्स्पिसियस होंगे, नेक्टर नहीं होगा उनके अंदर ना ही ऑडोर होगी क्योंकि वाटर तो फ्लो कर रहा है उसको नेक्टर की और ऑडोर की तो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है कि जिससे वो इसको पहचान पाए। अनवेटेबल पेरियंथ होता है क्योंकि वो वाटर के अंदर है, अगर वेट हो जाएगा तो वो उससे क्या है खराब हो जाएगा, तो पेरियंथ क्या है इनका अनवेटेबल होता है। अदर फ्लोरल पार्ट्स एंड द पोलन ग्रेन्स वो भी क्या होते हैं अनवेटेबल होते हैं। लॉन्ग और स्टिकी स्टिग्मास होंगे क्योंकि वाटर के थ्रू जब पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो स्टिग्मा उनके साथ क्या उनको अपने जो बॉडी है स्टिग्मास की उसके ऊपर स्टिक कर सके। पोलिनेशन बाय वाटर डज नॉट ऑकर इन ऑल एक्वेटिक प्लांट्स। ये मत सोचना कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं सभी के अंदर ही पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, ऐसा नहीं होता है। इन एक्वेटिक प्लांट विद इमर्जेंट फ्लावर पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एयर और बाय इंसेक्ट्स एज इन द वाटर लिली एंड द लोटस। जैसे ये प्लांट्स होते हैं वाटर लिली है लोटस है, इनके अंदर इंसेक्ट से क्या पोलिनेशन कंप्लीट होता है। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा एक्सेट्रा हाइड्रोफिलस पोलिनेटेड ऑकर। यहाँ पर इन वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा के अंदर वाटर से पोलिनेशन कंप्लीट होता है। हाइड्रोफिली के दो टाइप्स होते हैं, एपी हाइड्रोफिली एंड द हाइपो हाइड्रोफिली। एपी मतलब अपर अबो द सर्फेस ऑफ द वाटर, हाइपो मीन्स बिलो द वाटर सर्फेस। अब हम देखते हैं एपी हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन ऑकर इन दोज एक्वेटिक प्लांट्स विच वेयर फ्लावर रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एज वेलिसनेरिया। अगर हम वेलिसनेरिया की बात करते हैं तो वो हमेशा वाटर के सर्फेस के ऊपर रहता है और वहां पर वो वाटर से पोलिनेटेड होता है, दैट मीन्स वो एपी हाइड्रोफिली है। वेलिसनेरिया के अंदर प्लांट्स डायोसियस होता है, मेल फ्लावर स्मॉल होता है, शॉर्ट स्टॉक्ड होता है और प्रोड्यूस क्या करता है लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। दीज फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ए सेप्थे अंडर वाटर। जो मेल फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर वो अंडर द वाटर होते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सोलिटरी होते हैं, अनबोर्न ऑन लॉन्ग एंड क्वाइल्ड स्टॉक्स। और जो इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स होंगे वो लॉन्ग होंगे कंपैरिजन टू द मेल फ्लावर और क्वाइल्ड स्टॉक्स के साथ प्रेजेंट होते हैं वेलिसनेरिया के अंदर। जब मेच्योर करते हैं ऑन मैच्योरिंग मेल फ्लावर गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ओफन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ओविंग टू द ओपनिंग ऑफ द पेरियंथ इन टू ए बॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो जब भी मैच्योर होगा तो मेल फ्लावर वहां से डिटैच हो जाएगा, वाटर सर्फेस के ऊपर आएगा और पेरियंथ के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, ओपनिंग होगी वहां पर और एक बोट लाइक स्ट्रक्चर गेन कर लेगा। उसी टाइम पे क्या हुआ कि फीमेल फ्लावर राइज ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और जो फीमेल फ्लावर बिलो द वाटर सर्फेस था वो भी क्या करेगा राइज द सर्फेस ऑफ वाटर आ जाएगा। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टॉक्स, जो स्टॉक है उसका उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, वो लंबा हो जाएगा और वो भी वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगा।
एज द मेल एंड फीमेल फ्लावर कम क्लोज टू वाइल फ्लोटिंग द मेल फ्लावर आर ड्रॉन इन द डिप्रेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर एंड एंटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द लार्ज टाइप फीड स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। तो जो मेल फ्लावर जब फीमेल फ्लावर के पास आएगा तो फीमेल फ्लावर का जो डिप्रेशन है इस तरीके का वो उसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो ट्राइफिड मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तीन उसके अंदर ये कटिंग्स लाइक लगा लो आप ट्राइफिड्स लाइक इसके स्ट्रक्चर्स है स्टिग्मा के, और उसके ऊपर उसके एंथर्स क्या है चिपक जाएंगे स्टिक कर जाएंगे यहाँ पर। दे ब्रस्ट लिबरेटिंग पोलन ग्रेन्स विच स्टिक टू द स्टिग्मा, और जो मेल फ्लावर वहां से आया है उसका पोलन ग्रेन्स या फिर एंथर्स क्या करेगा ब्रस्ट आउट होगा और उससे पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक कर जाएंगे। आफ्टर पोलिनेशन फीमेल फ्लावर क्लोज एंड देयर लॉन्ग स्टॉक कर्ल ऑफ, अब तो जो उसकी कर्लिंग थी इस तरीके की जो कर्लिंग होती है उसके अंदर यूं रखता है पहले वो जो फ्लावर को, अब क्या करेगा अभी जब ये लंबा हुआ था अपर द सरफेस अबो द सरफेस वाटर के आया था, अब दोबारा जब पोलिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गया तो दोबारा से क्या करेगा ये अपने आप को इसी तरीके से फिर सर्कल कर लेगा स्पाइरल बना लेगा और जो क्लोज पोलिनेटिंग फ्लावर है फीमेल फ्लावर वो दोबारा से क्या करेगा क्लोज हो जाएगा और बिलो द वाटर सरफेस आ जाएगा। एंड ड्रोइंग द फ्लावर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ड्रोन इन द मड वेयर द सीड्स एंड फ्रूट राइपन, अब बिलो द वाटर सरफेस ही क्या होगा फिर से ये जो इसका अंदर फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर पोलिनेशन वो सभी का मैच्योरेशन प्रोडक्शन वो सभी अबो द बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगा। तो ये होता है एप्पी हाइड्रोफिलिस के अंदर, ये देखो स्ट्रक्चर इसकी, ये यहाँ पर हैं सारे के सारे मेल फ्लावर आ रहे हुए हैं जो अब मैच्योर होने के बाद वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और ये यहाँ पर क्या है फीमेल फ्लावर है बिफोर पोलिनेशन होते हैं ये, तो ये जहाँ यहाँ तक इस तरीके से स्पायरली फॉर्म में स्ट्रक्चर है और ये मेल प्लांट्स हैं यहाँ से ये क्या कर जाता है जब मैच्योर हो जाता है तो टूट जाते हैं और ये इस वाटर सर्फेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और जब यहाँ पर पोलिनेशन होता है तो ये फ्लावर जो फीमेल फ्लावर है वो इस तरीके से बाहर निकल जाता है, ये स्पायरल स्ट्रक्चर्स इलोंगेट हो जाती हैं और ये ट्राइफिड स्टिग्मा है इसके साथ आकर मेल फ्लावर क्या है अटैच हो जाता है और ब्रस्ट होते ही उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाएंगे, पोलिनेशन के बाद दोबारा से फिर क्या है ये स्पायरल स्ट्रक्चर्स गेन कर लेगा और उसमें सारी स्ट्रक्चर्स क्या है जो फ्रूट फॉर्मेशन है सीड फॉर्मेशन है वो फिर से बिलो द सरफेस होगी। ये सब किस किसके अंदर होता है वेलिशनेरिया के अंदर। मेल कैटकिल इनफ्लोरेसेंस इसलिए कहा है कि यहाँ पर ये देखो एक से ज्यादा नंबर में फ्लावर्स हैं जो मेल फ्लावर्स हैं वो इकट्ठा है उस ग्रुप को हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अगर आपको अलग से स्ट्रक्चर देखनी है तो ये देखो मेल फ्लावर इस टाइप का स्ट्रक्चर में गेन होता है, ये इसके क्या है पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया से जो बनते हैं, ये फीमेल फ्लावर है ये स्टिग्माज हैं जो ट्राइफिड स्टिग्मा दिखाया गया है तीन फीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर, तो ये सब कुछ वेलिसनेरिया के अंदर एपी हाइड्रोफिली है। अब देखते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिली, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन ऑकरिंग टोटली सबमर्स्ड प्लांट्स लाइक जोस्ट्रा एंड द क्रेटोफाइलम, सबमर्स्ड जो वाटर सरफेस से बिलो रहते हैं मतलब वाटर के अंदर डिप रहते हैं उनको हम सबमर्स्ड प्लांट्स बोलते हैं, जोस्ट्रा मरीना के अंदर ही होता है ये, मरीना सबमर्स्ड एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी और विदाउट एग्जाइन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको बताएंगे वो अभी तक करवाई नहीं है, तो उसके अंदर एक एंटाइन और एग्जाइन उसकी लेयर होती हैं तो इसके अंदर एग्जाइन नहीं होती है। दिस फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर आर आल्सो क्वाइट लॉन्ग, तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं विदाउट एग्जाइन रिबन लाइक स्ट्रक्चर जिनकी होती है वो वाटर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं और वहीं पर बिलो द वाटर क्या है स्टिग्मा प्रेजेंट होता है फ्लावर का और वो भी क्या है लॉन्ग होता है। द इलोंगेटेड पोलन ग्रेन्स ऑन रीचिंग द स्टिग्मा क्वाइल्ड अराउंड इट एंड जर्मिनेट एंड ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, तो जो पोलन ग्रेन्स वहां उस वाटर सरफेस के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो वो इलोंगेटेड पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे उसको क्वाइल करेंगे और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसा ही क्रेटोफाइलम डेमर्शम के अंदर होता है, ये भी एक सबमर्स्ड फ्रेश वाटर प्लांट है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, जो मेल फ्लावर है उसके ऊपर 30-45 स्टैमंस होते हैं, स्टैमंस मतलब मेल फ्लावर जो एंथर फिलामेंट होता है, तो मैच्योर एंथर गेट डिटैच एट द बेस, एंथर अलग हो जाएगा वाटर सरफेस के साथ फ्लो करेगा अंडरगो डाइहेशंस टू लिबरेट द पोलन्स और एकदम से लिबरेट उसके अंदर से ब्रस्ट आउट होगा और ब्रस्टिंग के थ्रू पोलन ग्रेन्स वहां से निकल जाएंगे, पोलन ग्रेन्स अब जर्मिनेट करेंगे उस वाटर के अंदर सिंक इन द वाटर, वाटर के अंदर सिंक कर जाएंगे
वाइल सिंकिंग इन द वाटर, जब उस वाटर के अंदर सिंक कर रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा एंड अफेक्ट द पोलिनेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर। और जब वो सिंक कर रहे होते हैं तो फीमेल फ्लावर के साथ वो स्टिक कर जाते हैं, स्टिग्मा पार्ट के साथ, और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंसेस हैं। एपीहाइड्रोफिलस का अलग फिनोमिनन है, हाइपोहाइड्रोफिलस का अलग फिनोमिनन है। तो हम एंटेमाफिलस फ्लावर के एक बार स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उनके अंदर। फ्लावर्स आर यूजुअली लार्ज होंगे, कॉन्सिपिशियस होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, अट्रैक्ट इंसेक्ट एज ए रोज। एक सेकेंड, ये एंटेमाफिलस की स्ट्रक्चर नहीं बताई भाई पहले, ये कुछ रह गया इसके अंदर शायद। एंटेमाफिलस के वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर एंटेमाफिलस पोलिनेशन वो पोलिनेशन होता है जिसमें इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं हम कि वो लार्ज होंगे, ब्राइटली कलर्ड के होंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, क्लोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ मिसिंग रह गया। तो चीज़ें हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। तो रोज है, सनफ्लावर है, होलियोक है, ये सब प्लांट्स क्या होते हैं, एंटीमोफिलस फ्लावर्स ग्रीन होते हैं और एंटीमोफिलस पोलिनेशन कंप्लीट होता है। पोलन ग्रेन्स आर कवर्ड विद येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड द पोलन किट। उनके पास क्या होती है, एक येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसके साथ इंसेक्ट्स आकर वहां पर स्टिक करते हैं, उसको बोलते हैं हम पोलन किट। दिस मेक पोलन ग्रेन टू स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं। सेपल एंड पेटल्स वेल डेवलप होंगी, शोई होंगी और अट्रैक्टिव होंगी। समटाइम्स जो पेटल होती हैं डेवलप पिक्यूलियर शेप टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स फ्लावर्स जो होते हैं ज्यादातर वो इंसेक्ट्स लविंग होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स मोस्ट ऑफ केसेस जो नाइट का टाइम होता है तभी एक्टिव होते हैं। दे गिव आउट ए स्वीट स्मेल एट नाइट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो स्मेल होगी उनके अंदर, एक ऑर्डर होगा जिसके थ्रू जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट होते हैं उस स्पेसिफिक फ्लावर के लिए। जैसे जैस्मीन है, रोज है, रंगून क्रीपर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, नॉक्टर्नल फ्लावर्स होते हैं, और इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, पोलिनेट इनको करते हैं। उनके अंदर नेक्टर होगा क्योंकि नेक्टर के लिए ही क्या करेंगे, इंसेक्ट्स वहां पर आएंगे। नेक्टर इज सिक्रेटेड फॉर फीडिंग द विजिटिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स वहां पर नेक्टर लेने के लिए आएंगे, पोलन किट्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ है स्टिक कर जाएंगे। जब दूसरे प्लांट की दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो वहां पर क्या है, उन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के साथ है स्टिक करवा देंगे, और जिसके थ्रू पोलिनेशन है जो वो कंप्लीट होगा। नेक्टर ग्लैंड्स आर प्लेस्ड इन सच ए पोजिशन दैट इंसेक्ट टच बोथ एंटर एंड द स्टिग्मा। नेक्टर ऐसे पोजिशंस के ऊपर होते हैं कि जहां पर वो उन दोनों को पोजिशंस जो होती है कि एंथर को भी कंट्रोल करे, या फिर एंथर के साथ भी वो टच कर सकते हैं और स्टिग्मा के साथ भी टच कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स रफ होंगे, स्टिकी होंगे और स्पाइनस आउटग्रोथ उनके अंदर होगी जिसके साथ वो उस बॉडी के साथ स्टिक करे। इसलिए स्टिग्मा है जो वो स्टिकी होंगे और पोलन ग्रेन्स को इजिली कैच कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स एडिबल होंगे और अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स के थ्रू अट्रैक्टेड होंगे, जैसे रोजा कलिमेंथिया है, मैंगलोना है। कुछ केसेस के अंदर क्या होगी, स्पेशल मार्किंग होती है पेटल्स के ऊपर फॉर गाइडिंग द इंसेक्ट्स टू नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड को गेन करने के लिए। जैसे हनी होता है, नेक्टर गाइड्स होते हैं वोइला के अंदर प्रेजेंट होता, तो स्पेसिफिक नेक्टर्स होते हैं जिसके लिए वो इंसेक्ट्स वहां पर आते हैं। व्हेन फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस अदर पार्ट बिकम इनलार्ज्ड कलर्ड एंड शोई। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर फ्लावर स्मॉल होता है तो वो ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं, और शोई तो वो होते ही हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को कलर अट्रैक्ट करना होता है इसके लिए। बोगनविलिया के अंदर क्या होता है, ब्रैक्ट ब्राइटली कलर्ड की होती हैं इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। यूफोरबिया स्प्लेंडिस के अंदर ब्रैक्ट है जो वो साइथीनिया की होती हैं, बिकम रेड कलर की हो जाती हैं वो। पोस्टिया के अंदर लीव्स हैं जो वो इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं और पार्शली कलर्ड होते हैं जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, कंडेंस्ड टुगेदर टू फॉर्म ए हैट एंड द सेल्फ, जैसे सनफ्लावर होता है तो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इन सच केसेस सिंगल इंसेक्ट पोलिनेटेड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर। इस केसेस के अंदर क्या होता है कि अकेला जो इंसेक्ट्स होता है वो बहुत सारे फ्लावर्स को पोलिनेट कर जाता है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली ब्लूम एट द टाइम व्हेन द पर्टिकुलर इंसेक्ट्स इज ऑल्सो एक्टिव। इनकी टाइमिंग एक जैसी होती है कि वो फ्लावर्स तभी ब्लूम्स होंगे जब इंसेक्ट्स के एक्टिव होने का टाइमिंग होता है, स्पेसिफिसिटी होती है इनके अंदर। ये मोस्ट इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स हैज ए प्लेटफॉर्म
फॉर द लैंडिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के साथ जो पोलिनेटेड होते हैं फ्लावर्स, तो उन फ्लावर में इस तरीके की प्लेटफॉर्म होता है कि वो इंसेक्ट्स वहां पर आके लैंड कर जाए। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, मॉडिफिकेशंस होती हैं स्पेसिफिक फ्लावर्स के। सम फ्लावर हैव द स्ट्रक्चर पिक्यूलरिटीज टू गेट पोलिनेटिंग बाई ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे हमने देखा है स्पेसिफिसिटी होती है कि कुछ के अंदर वो सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट्स के साथ ही पोलिनेट होते हैं। जैसे ओपनिंग ऑफ बाइलैबिएट फ्लावर ऑफ द स्नैपड्रैगन ड्रैगन बाय द वेट ऑफ पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स, डेप्थ ऑफ कोरोला ट्यूब फॉर इंसेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ टंग। तो उनके साथ वो स्पेसिफिक बाइलैबिएट फ्लावर होता है, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर स्नैपड्रैगन के अंदर, जिसके थ्रू वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है उनको करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए। तो ये है एनिमोफिलस और ये है एंटमोफिलस फ्लावर के बीच में डिफरेंसेज हैं। फ्लावर यहाँ पर स्मॉल होंगे, यहाँ पर लार्ज होंगे, स्मॉल स्मेल विदाउट स्मेल होंगे, यहाँ पर कोई नेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर इंसेक्ट से पोलिनेट हो रहे हैं तो ऑडोर भी होगी और नेक्टर भी बनेगा। ब्राइटली कलर नहीं होता है, इनके अंदर ब्राइटली कलर होता है। पोलन ग्रेन्स एडिबल नहीं होते हैं, यहाँ पर एडिबल होते हैं जिसके लिए वो आते हैं। सेपल और पेटल स्मॉल भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पर सेपल और पेटल्स प्रोमिनेंट होते हैं जिसके थ्रू वो कलर शो करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे। एंथर्स एक्जर्ट होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, यहाँ पर एंथर्स इंसर्टेड होते हैं इन द फ्लावर और नॉट वर्सेटाइल्स, बाहर की तरफ नहीं होते हैं। स्टिग्मा एक्जर्ट करेगा, ब्रांचिंग होगा, फिदरी पोलन ग्रेन्स होंगे, स्टिग्मा इंसर्ट होता, अनब्रांच होता और स्टिकी होते हैं। प्रोफ्यूज प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में, नंबर में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। एनिमोफिलस नॉन डायरेक्शन होते हैं कि हवा जैसे भी चलेगी, जैसे विंड आएगी उसी में क्या है जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर करेंगे। एंटीमोफिलस हाईली डायरेक्शनल होता है कि स्पेसिफिक पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स वहाँ पर आएंगे और उन जो भी वहाँ पर फ्लावर है उनके साथ वो स्पेसिफिकली पोलिनेशन करेंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको इन्हीं तीन के बारे में हम बता रहे हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स। अगली वीडियो के अंदर एक शॉर्ट वीडियो और बनेगी, तो उसके अंदर हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो कुछ और रह जाते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस वो आपको कंप्लीट करवा देंगे।